नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो आज हम इस वीडियो में आपको 100 लाइट को यूज करके आपको डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए किस तरह से इसको बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, तो सारे लाइट को हम इस तरह से करके सीरीज में लगाने वाले हैं। यहाँ पर एक लाइट का प्लस, दूसरी लाइट का माइनस के साथ में इस तरह से करके सारे लाइट को हम सीरीज में लगाने वाले हैं। आपको दिखाते हैं, पास से देख सकते हैं, तो इस तरह से हम बनाने वाले हैं। चलिए इसको बनाकर आपको दिखाते हैं। तो सारे लाइट को इस वायर के साथ में इसको कनेक्शन करने वाले हैं। पहले एक एक लाइट को कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। सबसे वायर को कट कर लेंगे। इस तरह से काटने के बाद इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, सोल्डरिंग पेस्ट को। तो इस तरह पेस्ट लगाना है, इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से करके। उसके बाद में इसमें लाइट को कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो लाइट लगाए थे इसको यहाँ पर लगा लेंगे वायर के साथ में। तो इस तरह से करके सारे लाइट को लगाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पर सारे लाइट को हम सीरीज में कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वायर के साथ में इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने एक वायर को लगा लिया लाइट के साथ में। आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर वायर का हमने लाइट का माइनस साथ में लगा लिया, और जो रेड कलर का वायर है तो उसको हम लाइट के प्लस के साथ में इसको कनेक्शन कर लेंगे। चलिए इसको कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं कनेक्शन करने वाला हूँ। तो इस तरह से करके सारे लाइट को हम इस वायर के साथ में कनेक्शन करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस तरह से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको कनेक्शन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमने दोनों वायर को लाइट के साथ में कनेक्शन कर लिया। इसके बाद में इसको एक्स्ट्रा वायर है इसको हम काट कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा कटर खराब हो गया, तो इसलिए हम इसको कैंची से इसको काट लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, तो सर आप भी काट सकते हो। चलिए इस तरह से करके हम सारे लाइट को कनेक्शन करने वाले हैं। इस तरह से सारे लाइट को हम कुछ दूरी के साथ में इसको लगाने वाले हैं, इसको माप कर इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर तो स्केल ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारे लाइट को हम जो 22 सेंटीमीटर की दूरी में इसको लाइट का कनेक्शन करने वाले हैं, आप देख सकते हैं हमने। चलिए इसको माप कर इसको काटने वाले हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से इसको माप लेंगे अच्छे तरह से। तो सारे लाइट का हम 22 सेंटीमीटर की दूरी में सारे लाइट को कनेक्शन करने वाले हैं। चलिए इसको बीच में एक रेड कलर वायर को इसको मैं काट कर लेंगे। तो सारे लाइट को हम रेड कलर के वायर के साथ में इसको कनेक्शन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लाइट तक देखते रहे, आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से करके इस वायर को हमने काट के इसको अच्छे से इसको लगाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से काट लिया, यहाँ पर देख सकते हैं इसको अच्छे से। इसके बाद में इस वायर में थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, सोल्डरिंग पेस्ट को। ये देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको सोल्डरिंग पेस्ट भी लगा लिया यहाँ पर। इसके बाद में इस वायर में सोल्डरिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा लाइट तक देखते रहिए, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो देख सकते हैं हमने वायर के साथ में सोल्डरिंग कर लिया। इसके बाद में इसमें एक लाइट को हम पर कनेक्शन करने वाले हैं। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने एक लाइट लगाया था ना, इसके लाइट का जो प्लस के साथ में है, दूसरी जो लाइट का माइनस को हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से अगर सारे लाइट को हम कनेक्शन करने वाले हैं, तो वो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं चले आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले लाइट में आपको सोल्डरिंग कर लेना है। इस तरह से करने के बाद इसको आपको वायर को कनेक्शन कर लेना है। ये देख सकते हैं हमने एक वायर को कनेक्शन कर लिया। इस तरह से हम दूसरी वायर को भी कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से करके आपको सारे लाइट को कनेक्शन कर लेना है इस तरह से। तो ये देख सकते हैं हमने एक लाइट को कनेक्शन कर लिया यहाँ पर, देख सकते हैं। तो इसका भी जो एक्स्ट्रा वायर को इसको भी काटने वाले हैं, कहीं चीज से इसको भी काट लेंगे यहाँ पर। चलिए इसको सबसे पहले इसको जो एक्स्ट्रा लेको इसको भी काट कर आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लाइट तक देखते रहना है। तो इस तरह से सारे लाइट का आपको कनेक्शन कर लेना सीरीज पे। तो चलिए इसको काट लेते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा लेको हमने यहाँ पर काट लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह दोनों लेको हमें काट लेंगे यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमने काट लिया। तो इस तरह से करके आपको सारे लाइट को लगा लेना है। तो इस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही, इसलिए इसको हम आपको वीडियो को काट कर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको आपको कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ सारे लाइट को। तो वीडियो को पूरा लाइट तक देखते रहिए। चलिए इसको सारे लाइट को कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमने इस तरह से करके सारे लाइट को हमने कनेक्शन कर लाए। तो ये 100 लाइट को हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, देख सकते हैं। तो इस तरह से करके आपको सारे लाइट को कनेक्शन कर लेना है, आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो एक लाइट का प्लस, दूसरी लाइट का माइनस का इस तरह से कनेक्शन करने वाले हैं। इसको हम ग्लूगन से भी चिपकाने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको चिपकाने वाले हैं। तो इसको जो देख सकते हैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं एक लाइट को ले लेंगे इस तरह से। तो इसमें हम ग्लूगन लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इसलिए आप लगाने वाले हैं। तो नहीं तो आपको शॉक भी लग सकता है इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट हम एसी से इसको जलाने वाले हैं ना, इसलिए आपको शॉक भी लग सकता है। तो इसलिए आप ग्लूगन भी आप लगा रहा हूँ इसको। ये शॉक प्रूफ भी हो जाएगा और वाटर प्रूफ भी हो जाएगा यहाँ पर। चले इसको कनेक्शन करके सारे लाइट में इस तरह से करके ग्लूगन को भी चिपकाने वाले हैं यहाँ पर। चले आपको दिखाता हूँ और एक लाइट पर लगाकर, तो उसमें भी इस तरह से करके लगा लेंगे यहाँ पर। ये देख सकते हैं इसको भी हमने ग्लूगन से चिपका लिया अच्छी तरह से। तो इस तरह से लगा देना है आपको भी, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है इसमें वायर पर आप टच करोगे तो उसको शॉक लग सकता है। तो इस तरह से करके सारे लाइट में हम कनेक्शन करने वाले हैं। और चले इसको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देख सकते हैं
आपको इस तरह से करके तीनों लाइट को हमने कनेक्शन करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से करके सारे लाइट भी इस तरह से कनेक्शन कर लेना। चलिए इसको भी आपको वीडियो को थोड़ा सा काट कर आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमने सारे लाइट भी कनेक्शन कर लिया है। तो सर इसमें हमने अच्छी तरह से डिजाइन टाइप का बना लिया, चाहे तो आप उस तरह से बना सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने पहले दिखाया था उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो हमने इसको थोड़ा सा डिजाइन टाइप का बना लिया, यहाँ पर इसको ऊपर साइड में लगा लिया इस तरह से। तो आपको मर्जी आप किस तरह से बना सकते हो। चलिए इसके बाद उसको कनेक्शन करने वाले। तो जो देख सकते हैं इसका जो इनपुट वायर आप देख सकते हैं, तो इस वायर में हम इनपुट देने वाले हैं। तो इसको इनपुट देगा तो सैटेलाइट आपको ग्लो करेगा। इसमें एक डायोड, छोटा सा डायोड सर्किट को लगाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं इसका डायोड सर्किट, तो इस डायोड सर्किट को लगाकर सैटेलाइट को हम जलाने वाले हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। आप देख सकते ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ज्यादा कुछ सामान नहीं लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर और पीएफ कैपेसिटर, एक रजिस्टर, और यहाँ पर जो ये देख सकते हैं फ्यूज रजिस्टर है। तो इस तरह करके ये वाला सर्किट से सैटेलाइट को जलाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा है जो ब्रिज रेक्टिफायर पर। इस तरह प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में आपको कनेक्शन कर लेना है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, नहीं तो आपको मार्केट में भी डायपर आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये बनाया था, तो इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, नहीं तो आपको दिखा देता इसका वीडियो। चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में। तो इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है डायवर सर्किट के साथ में। तो देख सकते हैं इसको हमने कनेक्शन कर लिया। इसके बाद में इसको डायरेक्ट एसी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस साइड में आपको एसी इनपुट देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीएफ प्रेशर लगा हुआ है, इसमें आपको एसी इनपुट देना है। चलिए इसको एसी वायर को भी आपको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से करके दोनों वायर को हम एसी वायर को इसमें कनेक्शन कर लेंगे। वीडियो को पूरा लाइट तक देखते रहो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस तरह से करके आपको बना लेना है दिवाली पर आपको अच्छे से चलने वाला है लाइट। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है। तो आराम से 3-4 साल आपका चला जाएगा लाइट पूरा आपका, देख सकते हैं तो खराब नहीं होने वाला है। तो चलिए इसको देख सकते हैं, हमने टू पिन प्लग भी लगा लिया है। इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड पे आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड पे लगा लिया है, स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से लाइट ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। चलिए इसको भी आपको लाइट को भी बंद करके आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आपको इसको इसको टच करके आपको दिखा रहा हूँ, ये शॉक नहीं लगने वाला है यहाँ पर। तो इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया, तो इसको इस तरह से आपको भी कवर कर लेना, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। तो जो डायवर सर्किट आप देख सकते हो, तो डायवर सर्किट को आपको कवर कर लेना है, नहीं तो शॉक लग सकता है। इसको डब्बे के अंदर इसको फिक्स कर लेना है। चलिए अपने लाइट को ऑफ करके आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो इस तरह से ग्लो करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो वीडियो को। अपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन देखिए ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। जब भी कोई वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देख सकते हैं किस तरह से ग्लो कर रहा है, उसको टॉच करके आपको दिखा रहा हूँ। ये शॉक नहीं लगने वाला क्योंकि इसमें मैं अच्छे से कवर कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको भी कवर कर लेना है, आपको नहीं शॉक नहीं लगने वाला है। चलिए आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा।